अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहते हैं या आप लेना सोच रहे हैं कि हम सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज करें, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें अवश्य जांच कर लेना चाहिए कि इसके बारे में क्या है, तभी आप गाड़ी खरीदें, अन्यथा उस गाड़ी को ना लें, क्योंकि बाद में बहुत सारे दिक्कत आ सकते हैं। उसमें दो चीज़ें क्या चेक करना है, क्योंकि एक तो आप उसका आरसी स्टेटस क्या होता है, ठीक है, उसको आप चेक कर लीजिए कि उसमें क्या चीज़ है, उसमें का क्या चीज़ कमी है। जैसे कि हम आपको अभी एक एग्जांपल में नंबर डाल करके बताते हैं, उसके बाद से देखिए इस गाड़ी का आपका डिटेल्स आ जाएगा। आप इस गाड़ी में देख रहे हैं कि इसका जो है टैक्स 4/12/2023 को ख़त्म हो रहा है, रजिस्ट्रेशन डेट है 16 दिसंबर 2013, फिटनेस इसका एक्सपायर है 15 तक, प्रदूषण नहीं है, ये सब तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब गाड़ी ट्रांसफ़र करने के लिए आप सोचेंगे तो उसमें आपको दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि ये एक लोन पे गाड़ी है, फाइनेंस, यस, मतलब कि आपको एक फाइनेंस चेक कर लेना है, क्योंकि आप गाड़ी परचेज करेंगे तो आपको समस्या आ जाएगा कि अगर उस उन्होंने जो भी गाड़ी को फर्स्ट ऑनर है वो इसका लोन टोटल पे किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया होगा तो बाद में आपको समाधान करना पड़ेगा। अगर वो पेमेंट कर दिया है तो उसका NOOC, नो ड्यूज सर्टिफिकेट ले लेना है, और उसके बाद इस गाड़ी पे चेक करना है कि कोई चालान है या नहीं है, क्योंकि अब रोड पे चलेगा तो कुछ गलतियों के कारण प्रशासन इसका चालान काटता है, और चालान के कारण कितना चालान है क्या है वो आपको नहीं तो पेमेंट करना पड़ेगा बाद में गाड़ी खरीदने के बाद। तो उसके लिए आपको ई चालान के वेबसाइट पे जाना है, और उसके बाद ई चालान .parivahan.gov.in पे आप आइएगा। तो इसके बाद इसमें आपको, आपके पास तो चालान नंबर नहीं रहेगा, तो आप उसके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार आप उसको चेक कर लेंगे। इसमें जैसे कि हम एक गाड़ी का आपको दिखला रहे हैं, उसके बाद आपको चेसिस नंबर डालना है, उसके बाद कैप्चा डाल लीजिए, तब आपको चालान चेक कर लीजिए कि चालान एक्चुअली इस पे कितना गिरा हुआ है, क्या है या नहीं है। और उसके बाद आप जैसे देखिए इस पे 42,500 रुपया का जो अभी पेमेंट पेंडिंग है, क्योंकि ये पेमेंट अभी इन्होंने जमा नहीं किया है, इसका पेमेंट अभी भरना पड़ेगा। अगर आप बिना देखे खरीद लीजिएगा तो बाद में आपको अगर कोई कागज का वर्क करवाने जाइएगा DTO में, तो वहाँ पे बताया जाएगा कि आपका एक चालान है पेंडिंग, उसको आप पेमेंट करिए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट तैयार होगा। इससे अच्छा है कि आप पहले ही चेक कर ले कि कोई समस्या तो नहीं है, और एक फर्स्ट ये और सेकंड ये, या फर्स्ट ये या सेकंड वो, दोनों में से दोनों चेक कर लीजिएगा, तभी या तो आप गाड़ी खरीदते हैं।